तो दोस्तों, बॉलीवुड के ग्रेट गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन और बाजीराव की मस्तानी दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी आगामी फिल्म फाइटर को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। दोस्तों, ये पहली बार होगा जब बॉलीवुड क्वीन दीपिका पादुकोण और हैंडसम ऋतिक रोशन सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ नजर आएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, ऋतिक और दीपिका की ये फिल्म बॉलीवुड जगत के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि ये भारत की पहली हवाई एक्शन फिल्म होने वाली है। दोस्तों, एक्शन थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म में ऋतिक रोशन हाई वोल्टेज और एरियल स्टंट करते नजर आएंगे। ऐसे में फैंस बड़ी बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और इसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस फिल्म से संबंधित तीन बड़ी जानकारी देते हैं। नंबर वन, दोस्तों सबसे पहले बात तो ये है कि जब से ऋतिक रोशन की इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है और बताया गया कि ये भारत की पहली एरियल एक्शन मूवी होने वाली है, तब से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये एरियल एक्शन फिल्म क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, एरियल एक्शन फिल्म का मतलब है जिन फिल्मों को आसमान में फिल्माया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी फिल्म के फाइटिंग सीन्स को आसमान में शूट किया जाता है, जैसा कि आपने पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी और रेस 2 में देखा होगा। लेकिन दोस्तों, इन फिल्मों में इन सीन्स के लिए VFX का सहारा लिया गया था, जबकि एरियल एक्शन फिल्मों में फाइटर प्लेन व अन्य आधुनिक टेक्निक्स का प्रयोग करके फिल्म की शूटिंग की जाती है। इसका साफ नजारा आप ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर में देख सकेंगे। नंबर 2, 250 करोड़ है फिल्म का बजट। दोस्तों, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फाइटर भारतीय सेना के अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति को बयां करती नजर आएगी। फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा अन्य देशों में भी की जाएगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 250 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ बनाई जा रही है। वही फिल्म निर्माता इसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने की एक बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं। एंड नंबर 3, भारत की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी। दोस्तों, ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर की तरह ही फाइटर भी एक फ्रेंचाइजी का रूप लेने वाली है, जिसका पहला भाग 2023 में रिलीज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर क्रिटिक तरण आदर्श ने एक ट्वीट के जरिए फाइटर को लेकर एक खास घोषणा की थी। फिल्म पिछले कई महीनों से चर्चा में थी, लेकिन कोई भी इस फिल्म को लेकर पुष्टि नहीं कर रहा था। वही तरण आदर्श के ट्वीट के बाद ये फिल्म एक बार फिर से काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। दोस्तों, तरण ने ट्वीट कर बताया था कि ये फिल्म पहली भारतीय एरियल एक्शन फ्रेंचाइजी होने वाली है। तो दोस्तों, ये है वो तीन दिलचस्प बातें जो फैंस के एक्साइटमेंट लेवल को सातवें आसमान पर पहुंचाने वाली है। और दोस्तों, वैसे में 250 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनने वाली फाइटर में ऋतिक रोशन को जबरदस्त एक्शन करते देखना वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। हम तो बेसब्री से ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म का रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के तमाम फैंस, आप बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप इन दोनों सितारों को पहली बार फाइटर में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।